हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स में चैप्टर नंबर वन नोइंग आवर नंबर की एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर नाइन हमें दे रखा है, बोला इसमें टू स्टिच आ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड। एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ, हमारे पास कुल मिला के 40 मीटर कपड़ा है। हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लोथ विल बी रिमेन। यानी कि हम अगर 40 मीटर कपड़े में से इस साइज़ की इतनी शर्ट बनाएं कि कितना कितनी शर्टें बच जाएंगी और कितना कपड़ा बच जाएगा, ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ क्लोथ नीडेड, हमें कपड़े की ज़रूरत होगी क्या करने के लिए, फॉर स्टिचिंग वन शर्ट, एक शर्ट बनाने के लिए। ठीक, यहाँ में दे रखा है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, हम इस पूरे क्वेश्चन को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो पूरा क्वेश्चन मीटर में होना चाहिए या पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में कन्वर्ट होना चाहिए। तो देखो ज़रा, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो मैं पूरे क्वेश्चन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ अभी। ठीक, तो देखो 2 मीटर है, 1 मीटर में 100 मीटर, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, पीछे कितना है 15, दोनों को प्लस करेंगे तो 215 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये पहले 2 मीटर 15 सेंटीमीटर था, अब कितना हो गया 215 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमारे पास टोटल लेंथ कितने कपड़े की, 40 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ हमारे पास है 40 मीटर। अब इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, कितना हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। ठीक, ये टोटल लेंथ आ गई, ये वो कपड़ा आ गया जो हमें एक शर्ट बनाने में यूज़ होगा। अब हमें ये निकालना है कि कितनी शर्टें बनाई जा सकती हैं, क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास जितना कपड़ा है उस कपड़े के अंदर एक शर्ट से बनने वाले, एक शर्ट में यूज़ होने वाले कपड़े का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि हमें कितने कपड़े की कितनी शर्टें बनाई जा सकती हैं। तो हम क्या करेंगे 4000 में डिवाइड देंगे 215 का, तो वन डिजिट लिया, देखो 215 से छोटा है, दो डिजिट लिए अभी भी छोटा है, तीन डिजिट लिए अब बड़ा हो गया, तो 215 लिया, माइनस करेंगे 5 आया, 9 में 7 गया 8, 3 में 7 2 गया 1 आया, ऊपर 17 0। 215 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि इसके बराबर ऐसे छोटा आ जाए, मैंने 8 पे ट्राई किया, 8 से मल्टीप्लाई किया तो यह 1720 निकल के आ गया, और अगर 215 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ जाएगा 1935। तो 9 पे तो बड़ा जा रहा है, तो हम किस पे लेंगे 8 पे लेंगे, 1720 कितना बचे 031। ठीक, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है ये तो हो जाएगी हमारी 18 शर्ट। ठीक है, और जो नीचे बच जाएगा ये हमारा कपड़ा होगा 130 सेंटीमीटर रिमेनिंग क्लोथ, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा आ जाएगा। ठीक है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो स्टूडेंट, जो अभी आपका डिवाइड का काम है, मल्टीप्लाई का काम है, आप अपने साइड में रफ वर्क में कहीं पर कर लेना, मैंने यहाँ पर कर दिया ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। बोला गया एक मेडिसिन इज अ पैक्ड इन अ बॉक्स, ईच वेटिंग इज 4 किलोग्राम 500 ग्राम। एक बॉक्स का वजन जो है वो 4 किलो 500 ग्राम है, तो इसके जैसे कितने बॉक्स लोड किए जा सकते एक वैन में जो कि 800 किलोग्राम से ज़्यादा वजन नहीं उठा सकती, यानी वैन में टोटल मिला के 800 किलोग्राम वजन आ सकता है। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स में कितना वजन आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ वन मेडिसिन बॉक्स, एक का वजन है 4 किलो 500 ग्राम है। हम इसको पूरे क्वेश्चन को ग्राम में ही चेंज कर लेते हैं। देखो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के, क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा 4 किलोग्राम है तो कितना हो जाएगा 4000 ग्राम हो जाएगा, पीछे कितना 500 ग्राम, दोनों को प्लस करेंगे तो 4500 ग्राम निकल के आ जाएगा। अब एक वैन में कितना वज़न आ सकता है, टोटल 800 किलो वज़न तक उठा सकते हैं, तो यह लिखेंगे टोटल वेट से 800 किलोग्राम,
इसको भी ग्राम में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, क्योंकि एक किलोग्राम में 1000 होते, 4 को 1000 से किया 4000 हुआ, तो 800 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 800000 ग्राम, इतना वजन हो जाएगा। हमें बताने कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस लोड किए जा सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ, तो स्टूडेंट यहाँ मैंने लिख दिया नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड, तो हमारा जो टोटल वेट है, ठीक है, इस टोटल में डिवाइड कर देंगे वन बॉक्स का वेट 4500, देखो 20 से 20 कैंसिल हो गया, कितना निकल गया 8000 अपॉन में 45 आया, दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, तो डिवाइड करके हम इसको और छोटा कर लेंगे, 5 का इसमें डिवाइड दे 5 × 5 = 3, 5 × 6 = 30, 1600, 5 × 9 = 45, 1600 बटे में 9 आ गया। अब 1600 में डिवाइड दे देंगे 9 का, 9 × 9 माइनस किया, कितना निकल के आ गया 7, उतारा 0, 9 × 7 = 63, माइनस किया 7, उतारा 0, 9 × 7 = 63, कितना बच गया 3, तो अप्रॉक्सली करीबन 177 बॉक्स उसमें लोड किए जा सकते हैं, 177, क्लियर। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।